हेलो एवरीवन, जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें उसने अपनी डेट शीट लॉन्च कर दी है, यानी कि अब जल्दी होने वाले हैं हाई स्कूल के एग्जाम। तो चलिए साइड की स्क्रीन पर हम पहुंचेंगे और समझेंगे कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होगा। स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर, एंड आई एम योगेश अग्रवाल। वीडियो के अंत में आपको स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, आपको रिवीजन की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हम वीडियो के अंत में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। बिना वीडियो को स्किप किए मिलते हैं वीडियो के अंत में। गाइस, साइड की स्क्रीन हमारी एक्टिव हो चुकी है और जैसा कि हमें साइड की स्क्रीन में नजर आ रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 2021 क्लास 10 डेट शीट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस डेट से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो हो रहे हैं 4th मई 2021 से। तो सबसे जो पहला है हमारे यहाँ पर 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा, और उसमें कौन कौन से एग्जाम होंगे, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट नेम हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट कोड हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, हमारा ओडिया है, कन्नड़ा है और लेपचा है, वो क्या होंगे 4 तारीख को होंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट एग्जाम की, तो 6 तारीख का एग्जाम है, 6th मई 2021 का एग्जाम है जो होगा इंग्लिश का। इसके बाद है हमारे यहाँ पर 10th मई 2021 जो कि 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा, टाइमिंग सभी की सेम है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी के 2 एग्जाम होंगे इस दिन। इसके बाद हम बात करें 11th मई 2021, तो उसमें किस किस के होंगे, हमारे उर्दू कोर्स ए के होंगे, बंगाली के होंगे, तमिल के होंगे, प्रश्न्स के होंगे और भाषा के होंगे, थाई के होंगे और एलिन बुक के होंगे हमारे यहाँ पे एग्जाम। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें 12th मई 2021 की, तो वहां पे पंजाबी के होंगे और जर्मन के होंगे, लैंग्वेज भाषाएं लैंग्वेज है हमारे यहाँ पर ये। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें 13 मई 2021 की, तो वहां पे हमारे टोटल 4 एग्जाम होंगे, मलयालम होगा, फ्रेंच होगा, रशियन होगा और उर्दू कोर्स भी होगा हमारे यहाँ पर। इसके बाद हम नीचे की तरफ थोड़ी बात करें 15 मई 2021 की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो किस किस के होंगे हमारे यहाँ पर, एक होगा साइंस थ्योरी का और साइंस W सफिक्स O प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें 17 मई 2021 की, तो उस दिन होगा पेंटिंग का एग्जाम। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ बात करते हैं, उस दिन 18 मई 2021 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो किस किस के एग्जाम होंगे हमारे यहाँ पे, यहाँ नेशनल क्राफ्ट क्रॉप्स के होंगे और यूनिंग का होगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें कार्नेटिक म्यूजिक का होगा हमारे यहाँ पे, हिंदुस्तानी म्यूजिक के होंगे, वोकल है, मैन है, पर है, तो यहाँ पे म्यूजिक के होंगे हमारे यहाँ पे एग्जाम। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो 20 मई 2021 को होम साइंस का एग्जाम होगा और 21 मई 2021 का मैथमेटिक स्टैंडर्ड और मैथमेटिक बेसिस का होगा। और आपको बता दें कि हमारी प्लेलिस्ट में आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे यहाँ पे 22 मई 2021, तो उस दिन किसका होगा, उस दिन जापानीज का होगा और एलिमेंट्री ऑफ बिजनेस का होगा हमारे यहाँ पर। इसके बाद है हमारे यहाँ पर कार्नेटिक म्यूजिक का होगा जो कि वोकल है और कार्नेटिक म्यूजिक पर इंस्ट्रूमेंट है हमारे यहाँ पर। इसके बाद 25 मई 2021 को हमारा लैंग्वेजेस का है, काफी सारी लैंग्वेजेस का है, जिसमें हमारे यहाँ पर तेलुगु है, सिंधी है, मराठी है, गुजराती है, मणिपुरी है और इसके अलावा तमाम यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं उनका होने वाला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, 27 मई को हमारा किसका होगा, सोशल साइंस का होगा। 29 मई की अगर हम यहाँ पे बात करें इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ टूरिज्म का होगा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का होगा। इसके बाद 31 मई की बात करें तो रिटेल का होगा, सिक्योरिटी का होगा, ऑटोमोबाइल का होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ फिन मार्केट का होगा, देन ब्यूटी एंड वेलनेस का होगा, एग्रीकल्चर का होगा, फूड एंड प्रोडक्शन का होगा, फोन ऑफिस ऑपरेशंस का होगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स का होगा, हेल्थ केयर का होगा, अपैरल का होगा, मीडिया का होगा और मल्टी स्किल फाउंड कोर्सेज का होगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें 2 जून 2021 को अरबिक का होगा एंड संस्कृत का होगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें मंडे की, यानी कि 7th जून की बात करें तो वो होगा कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का। तो हमने यहाँ पर ये देखा 7 जून को सभी एग्जाम हमारे ओवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करें कब तक, कब से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, 4th मई से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 जून को ओवर हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे रखा है हमारे यहाँ पर।
जिसमें यहाँ पे साइन भी दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पे डेट शीट है, हमने डेट शीट जान ली। अब इसके बाद हम आपको स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा बता दें कि डिस्क्रिप्शन में कुछ सैंपल स्पेस पेपर दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। और हमारी प्लेलिस्ट में जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मॉडल पेपर्स कराए जा रहे हैं तो आप उनको देख के भी एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी नई नोटिफिकेशन होगी उसकी जानकारी आपको तुरंत दे दी जाएगी। कोई भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।